हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ भारती। तो आज देखिए, मेरे पास ये एक गोस्ट ऑफ प्लांट के कुछ मैंने पत्ते जो हैं ग्रो किए थे, और इन पे जो रूट्स हैं या फिर इनकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी दिन से स्टार्ट हुई पड़ी है। लेकिन जो आज मैं मेथड आपसे शेयर कर रही हूँ वो है इनके पत्तों को लगाने का, जो अलग सा एक तरीका होता है। तो मैंने एक वीडियो भी शेयर की हुई थी कि किस तरह से हमें काफ़ी कुछ देखने को आजकल मिल रहा है कि बड़े यूनिक तरीके से जो प्लांट है वो ग्रोथ किए जा रहे हैं। तो लेकिन उस चीज़ पे ट्रस्ट करने से पहले एक्सपेरिमेंट ज़रूर करना चाहिए, तो वो उनका फ़र्ज़ होता है जो कि गार्डन से रिलेटेड वीडियोस जो है डालते हैं, और उनको सबसे पहले तो एक्सपेरिमेंट करनी चाहिए कि क्या ऐसा हो सकता है। तो बस मैंने भी वही किया है और उनमें से एक एक्सपेरिमेंट मेरा जो है प्रॉपरली चल पड़ा है। तो देखिए, पत्ते तो हम जो है मिट्टी में डाल देते हैं किसी भी सकुलेंट के, मतलब जो ग्रो हो जाते हैं, तो उनमें से ग्रोथ जो है स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें कि मैंने देखा था कि एक पत्ते जो है उनको धागे, सुई धागे में पिरो के फिर उनको हैंग किया जाता है हवा में, और उन पे ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाती है। तो वीडियो में कुछ इस तरह से एडिटिंग करके दिखाया जाता है, तो मैंने भी वही चीज़ की, मुझे यूनिक लगी थी तो मैंने भी ट्राई किया। लेकिन 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, कोई मुझे ग्रोथ नज़र नहीं आ रही थी। उल्टा जो मेरे पत्ते थे गोस्ट ऑफ प्लांट्स के वो ड्राई होते जा रहे थे। तो वही ये पत्ते हैं, तो कुछ उनमें से पत्ते गिरते जा रहे थे, तो फिर मैंने उनको मिट्टी में डाल दिया और ग्रो होने स्टार्ट हो गए। तो मुझे डिफरेंस जो है पता चला कि कोई भी सकुलेंट है जो कि एयर प्लांट नहीं है, तो वैसे तो एयर प्लांट बहुत होते हैं जो कि सिर्फ हवा में चलते हैं और उनको बस पानी स्प्रे किया जाता है, मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इन सकुलेंट को मिट्टी की ज़रूरत होती है, तो किसी भी तरीके से आप इसको रखें, मिट्टी टच होनी चाहिए इन पे, इनके जो पत्ते हैं उन पे। तो ये पत्तों से ही जो एनर्जी है वो सक करते हैं, और आगे जो ये वाला जहाँ से हम पत्ता तोड़ते हैं जो उसका एरिया होता है वहीं पे एनर्जी जो है भेजते हैं ताकि वहाँ पर जो है ग्रोथ स्टार्ट हो सके। तो देखिए, वैसे तो हम जनरली इस तरह से पत्ता रख देते हैं, या फिर हम क्या करते हैं ये जो है पत्ता इस तरह से लगा देते हैं, है ना, तो ग्रोथ जो है हमें देखने को मिल जाती है। लेकिन मैंने देखा था कि उसमें इस तरह से भी दिखाई जा रहे थे कुछ की लीव्स इस तरह से भी ग्रो हो रहे हैं, तो बस मैंने वही चीज़ की थी और वो एक्सपेरिमेंट जो है मेरा सक्सेसफुल हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से इन पे ग्रोथ जो है स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं दो पे ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुई है, तो इसमें आपको होल भी नज़र आएंगे। ये देखिए, इनको मैंने जो है हैंग किया हुआ था, और दूसरी बात ये कि इनके आगे से जो जहाँ से ग्रोथ स्टार्ट होनी है वो एरिया ही टूट चुका है, और ये जो है इस पे शायद मुझे लग रहा है कि ग्रोथ स्टार्ट होगी, क्योंकि ये जो पत्ता है थोड़ा सा पिंकिश होना स्टार्ट हो चुका है। तो अभी मैं थोड़ा सा इसको टाइम और दूंगी, नहीं तो हो सकता है कि जो ग्रोइंग जो पीरियड होता है हर पत्ते का, हर प्लांट का एक टाइम होता है, तो हो सकता है वो टाइम ओवर हो चुका हो, तो इस वजह से इसकी जो ग्रोथ है स्टार्ट नहीं हो रही हो। लेकिन ये जो तीन पत्ते हैं आप देख सकती हैं, इन पे अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। तो इसी तरह से अपनी हम जो गार्डनिंग करते हैं, जो भी गार्डनर है या फिर चैनल है या फिर बिना चैनल के ही अच्छे से अपने गार्डन में प्लांट्स को लगाते हैं, तो थोड़ा सा एंटरटेनिंग बनाइए अपने जो पौधे लगाने के तरीके को, थोड़े नए नए एक्सपेरिमेंट कीजिए और एंजॉय कीजिए गार्डनिंग को। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।